साहब ने एड्रेस दिए थे कल, तो 5 जगह हम गाइडलाइन कल की जो आई है उसको फोन के माध्यम से करवाएंगे और सभी बंद कराएंगे। सजेशन कल से 9 तारीख को 15 तारीख। Make no compromise in your child's education. Join the number one school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open, pre-nursery to class 9. आज सभी इंसिडेंट कमांडर सिटी के और सारे उपखंड अधिकारी जिले के उन सब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। COVID-19 के वर्तमान जो हालात हैं इसमें किस तरह से इफेक्टिव कार्रवाई करनी है, इसके लिए सभी उपखंड अधिकारियों से मीटिंग ली। मुख्य जो चीज़ है वो अभी गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन भी जारी हुई है कल, जिसमें 16 तारीख से कल से कुछ चीज़ें परिवर्तित हैं। जैसे कर्फ्यू के जो टाइमिंग है वो परिवर्तित हैं, शाम को 6 बजे से ही कर्फ्यू रहेगा, वो संपूर्ण ज़िले में रहेगा। पहले केवल निगम के क्षेत्र में था, अब संपूर्ण ज़िले में शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों रात को शाम को 6 बजे से सुबह 5 बजे तक, जिसमें 5 बजे सारे बाज़ार बंद कर दिए जाएंगे। तो इसकी इफ़ेक्टिवली कल से पालना हो जाए ये सभी के साथ डिस्कस किया। इसके साथ ही शादी और अंतिम संस्कार इसको छोड़ के सभी तरह के आयोजन, जुलूस, हर तरह के गैदरिंग पे पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह के गैदरिंग की अनुमति किसी को भी नहीं मिलेगी। धार्मिक स्थलों पर भी केवल और केवल ऑनलाइन दर्शन हो या फिर जो वहाँ का मैनेजमेंट है पुजारियाँ वो ही व्यवस्था संभालेंगे। आम पब्लिक धार्मिक स्थलों पर कल से नहीं जा सकेगी। ये सारी गाइडलाइन 30 अप्रैल तक हैं, इसके लिए एक तो सभी अधिकारियों से रिव्यू किया गया और साथ में जो अभी केसेस आ रहे हैं उसमें इफेक्टिवली सैम्पलिंग अधिक से अधिक लेने, जो अभी आजकल हमारी सैम्पलिंग और हमने तेज़ गति कर रखी है, पॉजिटिव्स की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाना, उसमें निगरानी रखना पॉजिटिव केसेस की, तो ये सभी SDMs के साथ भी रिव्यू किया गया और इनको इसमें इफेक्टिव कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिया। सर, होटल्स की और बार की क्या सिचुएशन रहेगी लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया रेलवे स्टेशन और आसपास के होटल रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं। इसमें 8 बजे तक होटल्स पे टेक अवे होम डिलीवरी अलाउ रहेगी और 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। सर, कोई फिर भी गाइडलाइन की अवहेलना करता है ऐसे में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का डिसीजन ले रहे हैं, केवल ये केवल आप प्रोत्साहित रूप से ही क्योंकि जाते हैं हो जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शाम तक खुले रहते हैं कई जगह। अभी जो कार्रवाई गत दिनों से हुई है, 100 से अधिक प्रतिष्ठान सीज किए गए हैं जो पालना नहीं कर रहे थे, और जो बिना मास्क में जो लोग घूम रहे थे 500 से अधिक उनके चालान गत 10-1 दिनों में किए गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई वॉयलेशन करता है जिसमें जो पेनल्टी है, चाहे बिना मास्क के जाता है या फिर कोई समारोह ऑर्गेनाइज कराता है बिना परमिशन के, आप तो खैर किसी में अलाउ नहीं है, तो 10,000 रुपये की पेनल्टी, उसमें शादी की 50 की लिमिट कोई क्रॉस करता है उसमें भी पेनल्टी, तो सभी तरह के जो जुर्माने का प्रावधान है वो सभी से जो वॉयलेट करेगा उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर संशय बना हुआ है कि कई जो प्राथमिक केंद्र हैं वहाँ पे वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में वैक्सीन को लेकर किस तरह की कार्रवाई चल रही है और क्या आप सब पर्याप्त वैक्सीन है? वैक्सीन जिस हिसाब से हमें डोजेज अवेलेबल होती हैं वो सभी जगह पहुँचा के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलता है, तो जिस तरह से वैक्सीन मिलती है उस हिसाब से प्रोग्राम चलाते हैं और बाकी के लिए हम डिमांड हमेशा करके रखते हैं। लोग सेंटर में पहुंच रहे हैं ज्ञापन देखकर जो आप टेम्पू रवाना कर रहे हो 45 वर्ष से, लेकिन मुमकिन पहुँचते हैं तो वैक्सीन के लिए मना किया है। अभी वैक्सीन के एक आध दिन में कोई शॉर्टेज चल रही है, जैसी आएगी तो लोगों को फिर से इनवाइट किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए।